आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर की पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम अपने माई कंप्यूटर पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वहाँ पे हमें सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप इससे भी ज़्यादा और बेहतर इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस विंडोज़ का बटन दबाना है। उसके बाद वहाँ पे RUN1 के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है DXVIKG, तो एंटर कर देना है। आपका यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपके सामने पूरी की पूरी ऐप खुल के आ जाएगा। ये असल में डायरेक्ट टैक्स डायग्नोस्टिक टूल है। इसका यूज करके अक्सर हम कंप्यूटर के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। यानी कि मेरे इस कंप्यूटर में विंडोज 10 प्रो है जो 64 बिट वाले वर्जन की है। ये HP का ऑल इन वन कंप्यूटर है। इसके अंदर इंटेल कोर i5 8th जेन का यू टाइप का CPU डला हुआ है जिसके अंदर 1.6 GHz की क्लॉक स्पीड है और 8 CPU है। अंदर 8 GB रैम है और डायरेक्ट एक्स का 12th वर्जन डला हुआ है। अगर आप इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर हमें इंटेल के चिप के बारे में दिख रहा है और रैम के बारे में। यहाँ पे हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप वहीं डायरेक्ट एक्स टूल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें विंडोज 10 भी दिख रही है, कितने बिट की है वो भी दिख रहा है, कौन सा प्रोसेसर है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें ग्राफिक कार्ड की डिटेल्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं कि हमारे पास 4 GB का ग्राफिक कार्ड है और वो इंटेल UHD का है। यहाँ पे मतलब हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो इंटीग्रेटेड है या एक्सटर्नल है, कितनी रैम है, कितनी स्पीड है। इस टूल का यूज़ करके आप जो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आप निकालना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के बारे में कि आपके कंप्यूटर की कितनी रैम है, क्या प्रोसेसर है, कौन सा CPU है और कौन सा ग्राफिक कार्ड है, आप यहाँ से इस टूल का यूज़ करके वो पता लगा सकते हैं। इस टूल को कैसे खोलते हैं उस प्रोसेस को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्राइब कर दूंगा, आप उसको फॉलो करके भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं।